जय हिंद आलाफियो साथियों, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव जो है आ जाएं, सभी स्टूडेंट लाइव क्लास को ज्वाइन करें। जय हिंद आलाफियो, जय हिंद। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो जो है 9 AM to 10 AM है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लें, है ना। साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं केवल आप लोगों के लिए। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें, वीडियो को अधिक शेयर कर दें जितना अधिक पॉसिबल हो पाए। यस, आइएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। आपसे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो एसआई पद्धति में आपसे कह रहा है कि एसआई में बल का, एसआई का मतलब है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक, ठीक है ना, एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या होगा। तो मैडम देखिए, जूल तो आपका कार्य का होता है, बार तो आपका पावर का होता है, घन सेंटीमीटर ये एक टाइप का वॉल्यूम का होता है, तो बचा है न्यूटन। न्यूटन तुम्हारा होता है किसका, बल का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वायु क्या है, व्हाट इज एयर। वायु क्या है, एक एलिमेंट है ना, या एक मिक्सचर है, या ये एक कंपाउंड है, या नन ऑफ दी। तो मैं आपको बता दें, एयर जो है, हाँ जल्दी बताएं भाई कमेंट करके, एयर क्या है। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि वायु क्या है, वायु क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एयर आपकी क्या है, एक मिक्सचर है, मतलब मिश्रण है, ठीक है ना। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट इसी तरह से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपका स्क्रीन पे आया है, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जल्दी बताएं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, जल्दी बताएंगे सभी स्टूडेंट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा चेंज किया जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है, जल्दी बोल दें आप लोग। बहुत बढ़िया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ये बताया जाता है डायनमो के द्वारा। डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, और 4 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी, तो यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी, मतलब पृथ्वी है उससे कोई चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएंगे, तो क्या होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो उसके भार में, उसके वेट में कमी आ जाएगी, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी पॉइंट, क्लियर है। तो उसके वेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है सल्फर का उपयोग होता है, व्हाट द यूज ऑफ सल्फर, सल्फर का यूज किस में होता है, जल्दी बताएं कमेंट करके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया सलीम सदीकी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गॉड डी के। सल्फर का उपयोग होता है, देखिए मैं आपको बता दें, सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद बनाने में होता है, मतलब ऑल दीज सभी में सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन 6 तुमसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, जल्दी बताएं आप लोग कमेंट करके, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों भाई। जो बिल्ली होती है उसको रात में आपने देखा हो, उसकी जो है लाइट आँख में जैसा बिल्कुल चमक जैसी लगती है, तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है, क्या रीज़न है। तो ये होता है पुतली की विशेष बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से जो है उसको रात में अधिक दिखाई देता है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 7, ये आप लोग आंसर देंगे, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, कौन सी धातु है, आपकी मेटल्स दिए हैं तो उनमें से कौन सी सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक है, जल्दी आंसर दें सभी स्टूडेंट मिलके, सभी एक एक करके सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। बहुत बहुत बढ़िया, ऊष्मा की सबसे अच्छी, बाकी वीडियो को जल्दी से भाई शेयर करते रहो, जो उसने लाइक नहीं किया लाइक ठोकते रहो फटाफट, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, देखिए सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर, चांदी, क्लियर है, सबसे अच्छी होती है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिएगा, कह रहा है गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, काहे करते हैं पसंद, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। यस, जल्दी बताएं सभी स्टूडेंट 5 सेकंड के अंदर।
गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? देखिए, सबसे पहला है आँख को अच्छे लगते हैं, कोई रीजन नहीं है। ऊष्मा के कुचालक हैं, कोई रीजन नहीं है। ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, हीट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, है ना। गर्मियों में कम गर्मी लगे इसका जो वाइट कलर का पेंट किया जाता है, तो ये ऑप्शन का सी रहेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल, जल्दी बता दें आप लोग, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, आपको पता है कि केतली में अगर लकड़ी का हैंडल नहीं लगाएंगे तो जो है गर्म केतली के साथ तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है। क्योंकि लकड़ी से तो कुचालक तो गर्म नहीं होगी, लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता, ठीक है। लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैस में अणुओं की समान संख्या होती है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? यस, एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती, कौन सा नियम है? तो माइडे, ये आपका होता अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम होता है, रूल ऑफ, हाँ, अवोगाद्रो की परिकल्पना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो 11 आपसे कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस वाट द मतलब जो प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ बायोगैस, तो जो आपकी बायोगैस होती है उसका मुख्य अवयव कौन सा? जल्दी बताएं कमेंट करके, हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि कौन सा मुख्य अवयव होता है, कौन सा मुख्य अवयव होता है। बहुत 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 बढ़िया, कौन सा मुख्य अवयव होता है? मेथेन, CH, बहुत बढ़िया, मेथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है। तो 12 क्वेश्चन कह रहा है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? जल्दी बता दें, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो मैं आपको बता दें, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप बदाब, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, ऊपर जाते हैं तब ये डिक्रीज करेंगे, है ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही डिक्रीज करेंगे, दोनों ही घटते हैं। क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र के लेंथ में फोकल दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, किसके द्वारा सही रखी जाती है? बहुत बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दें, किसके द्वारा सही रखी जाती है? हाँ बताएं, नेत्र के फोकस में, नेत्र के लेंथ में फोकल दूरी किसके द्वारा सही रखी? बहुत बढ़िया, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा सही रखी जाती है। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सूखी बर्फ होती है, सूखी बर्फ होती है, व्हाट द ड्राई साइज, सूखी बर्फ होती है कोमा ठोस, है ना, सूखी बर्फ होती है, कौन सी ड्राई साइज होती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है? देखिए, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। बहुत ही क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बट द साइंटिफिक नेम ऑफ जो है सिंपल सिंपल सोडियम क्लोराइड नमक जो है ना, तो साधारण नमक का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है माई डियर? तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, उसको कहते हैं NaCl, ठीक है ना। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण क्या होता है, कैसे रुक जाती है, है ना, क्या रीजन होता है? बहुत बढ़िया, देखिए होता है फ्रैक्शन। क्लियर? फ्रैक्शन के कारण होता है, जिसे हम कहते हैं घसल बल, संपर्क तलों की जो है विपरीत फोर्स लगता है। क्वेश्चन 17 देखिएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर किसका रूप है, संगमरमर किसका रूप है? अच्छा क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है माइडे? ये होता है चूने पत्थर का। संगमरमर किसका रूप है? ये होता है चूने पत्थर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया, देखिए आपने पता होगा, जो आप लोग पार्क वगैरह में ना, सॉरी स्विमिंग पूल वगैरह में ये गैस का यूज करते हैं, जल्दी बताएं कमेंट करके। बहुत 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 बढ़िया, किसका यूज करते हैं माइडे? ये करते हैं क्लोरीन का,
क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, तो 19 आपसे कह रहा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक, किस कारण लोहे में जंग लगता है, ये तो पता ही होगा है ना, क्या होता है लोहे में, वो जो लोहा होता है वो अपने आसपास वायु या आर्द्रता से जो है वो कर लेता है, ठीक है ना, जो है रिएक्ट कर लेता, मतलब ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है ऑक्सीजन। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन, सभी आंसर दें जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन 20, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, जब व्यक्ति कुपोषित होता है तो कुपोषित से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, बताएंगे आप लोग सबसे अधिक कमी किसकी होती है, बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दें, प्रोटीन की, ठीक है, सबसे अधिक कमी होती है प्रोटीन की, बहुत बढ़िया माय डियर। तो देखिए ये रहे आज के लेक्चर के टॉप 20 क्वेश्चन, इसी तरह से डेली के लेक्चर में हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, सुबह 9 बजे क्लास देखना ना भूलें, ओके माय डियर, बाकी मिलते हैं कल के क्लासेस में, बाकी इवनिंग में हमारे सभी क्लासेस चल रहे हैं, तो कोई भी ज्वाइन करना ना भूलें, ओके माय डियर, मिलते हैं कल के क्लासेस में, जय हिंद जय भारत।